सानिहा साहिवाल में मारा गया जीशान, दाइश का मुबैना सहूलतकार था। सीटीडी की रिपोर्ट समा को मौसूल। जीशान की दहशतगर्दों से गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीर भी हासिल करने का दावा। मोबाइल से दाइश के हाथों जाबहक इंस्पेक्टर की तस्वीर भी मिली। मुकद्दस ऐवान में गैर इखलाकी कलिमात की रोकथाम के लिए पार्लिमानी कमेटी का ऐलान। एक ही सफ में बैठेंगे जरदारी, शहबाज और इमरान। 12 पार्टियों की इखलाकी ब्रिगेड के सिपहसालार खुद स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर होंगे। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबा बनाने के लिए कौमी असेंबली में आईनी तरमीम का बिल जमा करा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं अपोजिशन नए सूबों के क्याम के लिए हुकूमत से तआवुन के लिए तैयार है। डर है कहीं तहरीक इंसाफ इस मामले पर भी यू टर्न न ले ले। अपोजिशन का काम हुकूमत से गालियां खाना नहीं इसलाह करना होता है। इमरान खान में हिम्मत है तो खुद बात करें, चमचों को आगे न लाएं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की समा के प्रोग्राम आवाज में मारूफ एंकर अली हैदर से गुफ्तगू। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए कुछ ही देर में। और फिल्म इंडस्ट्री में हिरासा किया जाता है, इनकार पर कई फिल्मों से निकाला गया, सीन कटवाए गए। एक अदाकारा ने जहर देने की साजिश की। अदाकारा रीमा का समा को इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफ। कहा कई सियासी जमातों में शमूलियत की दावत मिल चुकी।